Good morning, students. I am well here and I hope same for you also. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 4th, that is material, metal and non-metal. In the last 3 lectures we have discussed about the properties, and one lecture was the introductory lecture of metal and non-metal. Total of 4 lectures we have already discussed, and today we will discuss about 3 to 4 questions of this particular chapter, which is present in textbook. So let us start the discussion that what can be the appropriate answer to the questions, and how can we say, I will give you the appropriate reasons for this, and I will also attach a sheet so that you could easily understand and do it in your FAIR notebook. So let us start. The first question is that which of the following can be beaten into thin sheets. Now let us see here. The question says ki which of the following can be beaten into thin sheets. The question is which of the following can be beaten into thin sheets. Can be beaten into thin sheets. Thin sheets. So let us start now. The options given are zinc, phosphorus, sulfur and oxygen. Zinc, phosphorus, sulfur and oxygen. Show what should be our answer. The question is which of the following can be beaten into thin sheets. So we have already discussed that the metals have the property to be beaten into thin sheets. So among these 4 options, in 4 options mein se kaun sa aisa option hai jo metal ki category mein hai. फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ऑप्शन ए जिंक इज द राइट आंसर, क्योंकि जिंक एक मेटल है और मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो थिन सीट्स में बट सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जिंक इज द मेटल दैट कैन बी बीटन इन टू थिन सीट्स. लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, आर डक्टाइल. दूसरा ऑप्शन है कि ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तीसरा ऑप्शन है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तीसरा ऑप्शन है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और फोर्थ ऑप्शन है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाएंगे क्योंकि नॉन मेटल कभी डक्टाइल हो ही नहीं सकता. तो सम हो या ऑल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. नॉन मेटल कभी भी डक्टाइल नहीं होता. अब बचे हुए पहले और तीसरे ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या होगा वो डिपेंड करता है. यहां बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इस आंसर को राइट आंसर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं या हम इस आंसर को राइट आंसर कंसिडर नहीं करते हैं. क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं. हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जनरली मेटल्स आर
डक्टाइल। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यही आंसर होगा हमारा। क्यों होगा आंसर, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि जब भी मेटल्स की बात होगी तो मेटल में सभी मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि मरकरी भी एक मेटल है और मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो मरकरी को हम कंसिडर नहीं कर सकते कि मरकरी जो है वो वायर्स बनाने में काम आए। इसीलिए यहां पर जेनरली का इस्तेमाल किया गया, जेनरली का मतलब सामान्य तौर पर मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, उसमें मरकरी भी आ जाएगा, तो जो कि ये स्टेटमेंट को क्या कर देता है, गलत बना देता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि सामान्य तौर पर मेटल्स डक्टाइल होते हैं, हमेशा मेटल डक्टाइल नहीं होते। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहली बात, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फास्फोरस इज अ वेरी डेंस नॉन मेटल। फास्फोरस इज अ वेरी डेंस नॉन मेटल। तो जब मैं आपको ये चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, मैं नॉन मेटल के केस में, तो वहां पर मैंने आपसे ये बताया था कि फास्फोरस जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एक्सप्लोजन करता है, वो धमाके को अंजाम देता है, इसीलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन आना बच रहा है जो क्या करेगा, रिएक्टिव उसको फुलफिल करेगा। क्यों, क्योंकि फास्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, इसीलिए वो क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है। अगर हम रिएक्टिव की जगह किसी और ऑप्शन की बात करें तो यहां पर वो फिट नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि फास्फोरस के केस में हमें पता है कि वो रिएक्टिव होने की वजह से ही वाटर में स्टोर किया जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रिएक्टिव होगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो बेटा हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी तो मेटल के बारे में ये कहा था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल जो है वो कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए हमारा, वो ये कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के बारे में यह कहा जाता है कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अपने आप से पास होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल्स अगर गुड कंडक्टर नहीं होते तो क्या कभी वायर्स को बनाने में मेटल का यूज होता, नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ये हीट क्यों आ गया, हीट कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का तो ठीक है समझ आता है, लेकिन हीट कैसे हो गया कंडक्टर, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमने मान लीजिए जैसे मेटल की बात की है, तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर हीट के इसलिए होते हैं, या इसलिए हम समझ पाते हैं कि ये हीट के कंडक्टर हैं, क्योंकि मेटल्स को जब भी यूज किया जाता है यूटेंसिल्स के रूप में, तो हम देखते हैं कि वो बर्तन जो है वो गर्म होने पर अपने अंदर मौजूद चीजों को भी गर्म कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो हीट को पास होने देता है अपने आप से, इसीलिए वो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड
electricity. Now third question is there, iron is less reactive than copper. तीसरा question क्या है, iron is less reactive than copper. अब इस चीज को समझने के लिए हमें displacement reaction ध्यान रखना होगा. वहां मैंने आपको बताया था Zn, Fe, Cu और H. तो Cu से ऊपर है Fe, तो कहीं ना कहीं आयरन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा. क्या होगा बेटा, मोर रिएक्टिव. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से. आयरन इसीलिए कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस भी कर देता है. इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है वो डिस्कस करते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म डैश गैस. मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म डैश गैस. तो मेटल, इस आंसर को लिखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन. हालांकि यहां पर हाइड्रोजन गैस होगा, आंसर हाइड्रोजन गैस है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा मैंने इसको एक बार देख लीजिए. कोई भी एसिड HCl प्लस में Na मेटल है, एसिड प्लस में मेटल क्या फॉर्म करेगा, तो हम कहेंगे क्या कि एसिड प्लस में मेटल जो है ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. देखिए यहां पर 2HCl प्लस में 2Na गिव्स 2NaCl प्लस में H2. तो ये जो H2 है यही रिलीज होता है, यही गैस है, इसीलिए मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस हम कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर. जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और वो है ट्रू फॉल्स. मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, मार्क द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स मार्क करना है, तो जो भी ट्रू होगा उसको हम ट्रू मार्क करेंगे और जो भी फॉल्स होगा उसको फॉल्स मार्क करेंगे. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. जनरली क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि मैं फॉल्स हूं. क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, जो कि कौन सा स्टेटमेंट है, हमारा आंसर होगा फॉल्स. क्यों, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जनरली नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता है एसिड के साथ, इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स. क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, जबकि ऐसा होता ही नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहे हैं, सेकेंड ये कह रहा है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सही बात है. मेटल्स में सबसे रिएक्टिव कौन, मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो हम कहेंगे पोटेशियम, उससे कम सोडियम. लगभग लगभग हम इक्विवेलेंट मानते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही. तो यहां क्या कह रहा है कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये तो सही है ना,
क्यों? क्योंकि दो ई मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है बेटा कि कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देखते हैं, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो यहां कि कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को किससे? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो हम एक बार रिएक्शन करके देखें, Zn SO4 प्लस में Cu, Zn SO4 प्लस में Cu। यहां पर तो बेटा नो रिएक्शन आ रहा है। क्यों नो रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि Zn सबसे ऊपर है, उसके बाद Fe है, उसके बाद Cu है और उसके बाद H2। अब Cu कभी Zn को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। Cu जो है वो लेस रिएक्टिव देन जिंक है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम इसी की बात कर रहे थे कि भाई जिंक सल्फेट जो है क्या कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या कॉपर क्या डिस्प्लेस कर देगा, तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जिंक अगर चाहे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है। ये डिस्प्लेस रिएक्शन है ऑलरेडी, अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देता है जिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फोर्थ क्या है? कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। तो अगर हम इसकी बात करें कि कोल जो है वो वायर्स के रूप में ड्रॉ होता है, तो हम क्या कहेंगे? नो, इट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? क्योंकि कोल जो है, कोल क्या है? नॉन मेटल है, और चूंकि कोल एक नॉन मेटल है तो कोल कभी भी डिस्प्लेस या कोल के बारे में हम ये कहते हैं कि ड्रॉ नहीं होगा। किसके रूप में? वायर्स के रूप में। क्यों? क्योंकि कोल जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू या ड्रॉन इनटू वायर्स। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि कोल से हम वायर बना सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि कोयले से हम वायर बनाए, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा? फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। तो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक था या ये पर्टिकुलर जो सेशन था वो कंप्लीटली डेडिकेटेड था क्वेश्चन आंसर को, जिनमें हमने फोर क्वेश्चंस देखे, फोर क्वेश्चंस को हमने समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसे आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को। टिल देन stay home, stay safe and keep learning. God bless you. Thank you very much.